अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, मैं हूं फैद मलिक और आप देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल इस्लामिक दुनिया। तो वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपसे गुजारिश करता हूं कि अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल के आइकन को भी क्लिक कर दें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो सबसे पहले आपको मिलती रहे। चलिए वीडियो शुरू करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह, रमज़ानुल मुबारक हम पर अपनी तमाम रहमतों, बरकतों और मगफिरत के वादों के साथ जा रहा है। हर कोई इस महीने के एक एक लम्हे को कीमती बनाने की कोशिश कर रहा है, बहुत से वजीफे भी कर रहा है कि ताकि उसकी परेशानी ख़त्म हो जाए, उसकी तंगदस्ती ख़त्म हो जाए, उसकी बेरोज़गारी ख़त्म हो जाए। अगर उसे दौलत चाहिए तो उसे दौलत मिल जाए, अगर उसकी कोई हाजत है तो उसकी हाजत पूरी हो जाए। यानी बहुत से लोग माह रमज़ान में तरह तरह के वजीफे पढ़ते हैं, आमाल पढ़ते हैं, दुआएं करते हैं। अमूमन इफ्तारी के वक्त हर घर में दुआ की एक रूहानी सी देखने को मिलती है, क्योंकि हदीस मुबारक के मुताबिक इफ्तारी का सामान सामने रखकर दुआ में मशगूल बंदे के हवाले से अल्लाह ताला फरिश्तों पर फ़ख्र फरमाता है कि जो लोग इफ्तारी का सामान सामने रखकर अल्लाह ताला से दुआ मांगता है अपनी ज़रूरतों के हवाले से, अपनी हाजतों के हवाले से, अपने गुनाहों की माफ़ी के हवाले से, अल्लाह ताला उन पर फ़ख्र फरमाता है। और ये वक्त दुआ की कबूलियत का बहुत ही ख़ास वक्त होता है। आज मैं आप लोगों को सहरी के वक्त के हवाले से एक ऐसा अमल बताने जा रही हूँ जिसे आप लोगों ने सहरी खाने से पहले पढ़ लेना है। इंशाअल्लाह मेरा मालिक, मेरा परवरदिगार दौलत के हवाले से आपकी जैसी भी परेशानी होगी आपकी उस परेशानी को दूर फरमा देगा, और माह रमज़ान की बरकतों रहमतों के सदक़े से आपकी हर तरह की मुश्किलों को भी आसान फरमा देगा। आप लोगों को जितनी भी दौलत की ज़रूरत होगी, चाहे वो लाखों में हो, करोड़ों में हो, अरबों में हो, इंशाअल्लाह आपकी ज़रूरत पूरी हो जाएगी। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि हमारा रब हर रात के आखिरी दहाई हिस्से में दुनिया आसमान पर नुज़ूल फरमाता है और ये ऐलान करता है कि है कोई मुझसे मांगने वाला, मैं उसकी दुआएँ कबूल करूँ, है कोई मुझसे सवाल करने वाला, मैं उसको अता करूँ, है कोई मुझसे बख्शीश तलब करने वाला, मैं उसकी मगफिरत कर दूं। दोस्तों, रात के आखिरी हिस्से में आदमी अपने रब के बहुत करीब हो जाता है और हुजूर पाक ने फरमाया, अगर तुम इन घड़ियों में अल्लाह का जिक्र कर सको तो ज़रूर क्या करो। मैं अपने तमाम भाइयों, बहनों और दोस्तों को ये कहना चाहूँगी कि जो लोग नींद के बहुत आशिक होते हैं, नींद के बादशाह होते हैं, तो मैं उनसे कहना चाहती हूँ कि जो लोग खाए बगैर रोज़ा रख लेते हैं वो नबी की सुन्नत को पूरा नहीं कर रहे होते हैं, और जो लोग सहरी खाते हैं, रोज़े की नियत करते हैं, दुआ करते हैं, दुआ मांगते हैं, तो उन पर अल्लाह ताला की रहमत बरसती है और फरिश्ते उनके लिए मगफिरत की दुआ करते हैं। सहरी के वक्त आप लोगों ने इस अमल को करना है जो मैं आपको बताने जा रही हूँ। सहरी खाने से पहले अल्लाह पाक का एक नाम है या हसीबू, और उसके बाद कुरान पाक की सबसे छोटी सूरह मुबारक सूरह कौसर है। आप लोगों ने करना क्या है कि सहरी खाने से पहले अल्लाह पाक का एक नाम या हसीबू 3 मरतबा पढ़ना है, उसके बाद 1 मरतबा सूरतुल कौसर की तिलावत करनी है। अमल नोट फरमा ले। अल्लाह पाक का एक नाम 3 बार पढ़ें, या हसीबू, उसके बाद फिर 1 मरतबा सूरतुल कौसर की तिलावत करनी है। मतलब के 3 बार अल्लाह ताला का नाम या हसीबू पढ़ें, फिर 1 बार सूरतुल कौसर पढ़नी है। दोस्तों, ये एक दफ़ा हो गया या हसीबू, फिर 1 बार सूरतुल कौसर, ये हमारा एक वजीफा हो गया। फिर दूसरे नंबर पर या फिर 3 बार पढ़ें या हसीबू, फिर उसके बाद सूरतुल कौसर पढ़ें, ये दो बार हो गया। इस तरीके से हमें पढ़ना है। तो दोस्तों, उसके बाद अल्लाह पाक से अपने रोज़गार के लिए, दौलत के लिए, रिज़्क के लिए दुआ मांगें। दुआ मांगने के बाद सहरी खाएं। इंशाअल्लाह मैं पूरे यकीन के साथ कहती हूँ कि रोज़ा खोलने से पहले आपके हाथों में दौलत आ जाएगी। अल्लाह ताला आपकी हर तरह की मुश्किल को आसान फरमाएगा, हर हाजत को पूरा फरमा देगा, दिली मुरादों को पूरा कर देगा, और जिस तरह का भी आपकी कोई बड़े से बड़ा मकसद होगा उसको पूरा कर देगा। मैं पूरे यकीन के साथ, पूरे भरोसे
भरोसे के साथ अल्लाह ताला के ज़ात पर यकीन रखते हुए ये अमल कर लें। सहरी के वक्त फिर इंशाल्लाह आप देखेंगे कि इफ्तारी से पहले ही आपकी दौलत के हवाले से ज़रूरत भी पूरी हो जाएगी, दौलत मिलना भी शुरू हो जाएगी और कारोबार में इतनी बरकत और इतनी तरक्की होगी कि अब से पहले ऐसा कभी नहीं देखा होगा। एक बार ज़रूर करके देखें, इंशाल्लाह आपको बहुत फ़ायदा होगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, अपनी दुआओं में याद रखें, 5 वक्त की नमाज़ पढ़ें। अल्लाह हाफिज़।